श्रीमान जानूराम सोसाइटी वीरम नगर जालीपाल द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। सर किस वर्गीय चौधरी वीरमा राम जी बेनीवाल की तस्वीर के सम्मुख संग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन रहेगा कि स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें, कुर्ला से की माल्यार्पण कर सांसद महोदय का स्वागत करें। की विरासत को संभालो यारों, मगदान जी बाहर, मगदान जी से निवेदन रहेगा कि कलेक्टर हमेशा यह समस्या रहती है जब वो जीवनी या आत्मकथा लिखता है, यदि वह सत्य लिखता है तो कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा जनों की श्रद्धा समाप्त हो जाए, और यदि वह असत्य लिखे तो लेखकीय धर्म इस तरह से कारवां के साथ जब तू न चल सके तो श्रीमान अमराराम जी चौधरी हमारे बीच में पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। ये संजोग और बहुत ही बेहतरीन संजोग साथ ही निवेदन रहेगा पूर्व जिला परिषद सदस्य श्रीमान सुजाना राम जी भादू से कि श्रीमान अमराराम जी चौधरी का मैंने परिवार में जन्म लिया और अपने कृतित्व से हम सब के बीच में एक किरण और एक मैग छोड़। हमेशा ये समस्या रहती है जब वो जीवनी या आत्मकथा लिखता है, यदि वह सत्य लिखता है तो कहीं ऐसा ना हो ना, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में जिनका पावन सानिध्य हमको मिल रहा है जसनाथ माननीय अमराराम चौधरी सर, राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, माननीय सांसद महोदय कर्नल सोनाराम साहब, यूआईटी चेयरमैन साहब प्रियंका चौधरी जी, मंचा सिंह, सभी अन्य सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संबंध में जैसे कि जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, चूंकि जिले में नया होने के कारण विस्तृत रूप से मुझे इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने सुना कि एक नेक इंसान और अच्छा लोगों के लिए कार्य करने वाले इंसान के रूप में इनकी पहचान क्षेत्र में और जिले में शहर के आसपास रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक के माध्यम से अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति की जो बात है अन्य व्यक्तियों तक पहुंच जाए तो उसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे जाके अपने जीवन में लोगों के लिए सकारात्मक कार्य कैसे करें।